चलिए, बिहार सरकार के द्वारा जो व्यवस्था दिया गया है, इस व्यवस्था से बिहार पुलिस लगातार बिहार में अपराध का ग्राफ को नीचे गिराएगा, साथ ही साथ शराब तस्करों को पकड़ेगा। ये देखिए, गाड़ी का नंबर है BR2E2454 और इसमें जो है 4-5 लोग हैं। मजबूरी है इन लोगों की कि सरकार ने यही दिया है तो इसी से घूमना पड़ेगा, और बिहार से बाहर चले जाइए तो पुलिस डिपार्टमेंट को इनोवा मिला हुआ है। और देखिए यहाँ पे ये गाड़ी का कंडीशन देखिए, कम से कम 25-30 साल पुराना होगा। पुलिस दिख रहा है, थाना दिख रहा है, गहलोर नहीं दिख रहा है, तो हाथे से ये लोग जो है भांग दिए हैं। देख लीजिए यहाँ पे ओपी गहलोर ओपी, यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, थाना दिख रहा है लेकिन कौन से थाना का गाड़ी है वो नहीं दिख रहा है, गहलोर मिट गया। ये देखिए, इतना बढ़िया, जब गाड़ी से बिहार पुलिस अपराधी को पकड़ेगा तो एकदम टकाटक पकड़ेगा। इसलिए ना बिहार में अपराध का ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा है। और देखिए कमाल की बात है, इधर आइए, इधर 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 से दिखाइए, उधर से ई देखिए, ई है एक्सलेटर, ई देख सकते हैं आप, देखिए आ ई है, पता नहीं ब्रेक होगा शायद से, आ ई होगा क्लच, आ ई देखिए ना, इसमें इंडिकेटर इंडिकेटर कुछ नहीं होगा, चाबी का भी व्यवस्था नहीं है, अंदर भी पूरा सड़ गया है, देख सकते हैं। देखिए, और इसमें हमारे बिहार पुलिस के जवान जो है बैठते हैं, मजबूरी है, इन लोगों से हम कुछ पूछ भी नहीं सकते हैं, ये लोग बोलेंगे भी नहीं। और गाड़ी है लेकिन ये गाड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये बता, ये देखिए यहाँ पे पीछे आ जाइए, पीछे ये देखिए, ये क्या है, ये कौन सी है, कौन सी है, आप तो नहीं है, किधर है ड्राइवर साहब, किधर है, और ड्राइवर साहब आपके गाड़ी का पोस्टमार्टम हो रहा है, आइए आइए जल्दी से, आइए जल्दी से, आइए, आप ही भाग गए हैं, बताइए तो, कमाल का बात है, बेकार में इन लोगों से पूछना पड़ेगा हमको। गाड़ी बसंती को जब चलाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, पूरा खटारा है सर, पूरा खटारा है। अच्छा, इसका इंडिकेटर इंडिकेटर का किए हैं, ये देखिए तो सब ऐसा ही मिला है, गाड़ी सब ऐसा ही मिला है। अच्छा, इसमें फ्यूल टैंक किधर है, फ्यूल टैंक ये साइड है, किस साइड है, है क्या फ्यूल टैंक, यहाँ फ्यूल टैंक है। अच्छा, इसमें क्या भरते हैं, डीजल की पेट्रोल, डीजल डीजल, तो इसमें तो कभी भी आग लग सकता है, इसका ढक्कन क्यों नहीं है, ऐसा ही मिला सर्विसिंग में, नहीं मिला है क्या, ऐसा ही मिलवे किया है। अरे गहलोर का नाम आप लोग सुने हैं, अरे दशरथ मांझी ने यहाँ पे पहाड़े तोड़ दिया था, लेकिन बिहार सरकार कुछ तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है, बस सिस्टम को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। अब बताइए जब ऐसा, अच्छा गियर लग जाता है इसका ठीक से, हाँ लग जाता है, लग जाता है, कोई को गियर है, चार गियर है सब। अब छह अपराधी भागेगा 6 गियर के गाड़ी से, ऑटोमेटिक गाड़ी से, और 4 गियर के गाड़ी से जो है। अच्छा, इसमें पुलिस बैठ के करता क्या है, गश्ती करते हैं, गश्ती मतलब गश्ती में अगर कोई चोर अपराधी शराब तस्कर अगर दिख गया तब आप कैसे पकड़ेंगे, इसी से पकड़ते हैं। अरे इससे नहीं, अरे दौड़ के जल्दी पकड़ लेंगे, इससे नहीं पकड़ाएगा जल्दी, इसी से प्रयास करते हैं पकड़ने का, प्रयास करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं, पकड़ाता है नहीं पकड़ा सकता, कभी-कभी हाँ, गलती से पकड़ा जाता होगा, उसकी गलती से पकड़ा जाता होगा, बाकी प्रयास हमेशा असफल होता होगा। अब जो इसी से, अब बताइए बिहार पुलिस की नाकामी जो है अक्सर लोग दिखाता है, लेकिन बिहार पुलिस की मजबूरी क्यों नहीं दिखाता है, इस हालत में इतना कम संसाधन में हमारे बिहार पुलिस के लोग जो है कैसे कमाल के काम करेंगे। और देखिए इसमें वाइपर भी नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे, अच्छा वाइपर, वाइपर किधर है, वाइपर, वाइपर सब टूटा है सर, क्या सब टूटा हुआ। अच्छा, ओस के समय में कांच कैसे साफ होता होगा, कपड़ा साफ कर, कपड़ा से चलाते चलाते साफ कर लेते हैं, रोक के करना पड़ता है, अपराधिया फुर, सही है ना, तो ये सिस्टम को बदला जाए, और इस प्रकार के व्यवस्था से जो है ना बिहार सुदृढ़ नहीं होने वाला है। तो उम्मीद है कि इसके लिए भी आप लोग आवाज़ उठाएंगे, और बिहार पुलिस के लिए जल्द से जल्द इनोवा का जो नया मॉडल लॉन्च हुआ है, हाई क्रॉस या टाटा का सफारी या महिंद्रा का XUV, उस प्रकार की गाड़ी दी जाए, क्योंकि उस प्रकार की गाड़ी पे दूसरे राज्य का पुलिस चढ़ रहा है तो हमारे बिहार का भी पुलिस जो है उसी प्रकार के गाड़ी पे चढ़े, तब जाके अपराधी जो है पकड़े जाएंगे। और देखिए यहाँ पे, इधर आ जाइए, इधर ध्यान से देखिए, थाना आ कौन सा थाना, तो गहलोर को हाथे से लिख दिया गया, देख सकते हैं। और नीचे झुकिए थोड़ा सा, कैमरा को थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिए सीधे, हाँ घुमाइए
दिखाइए नीचे, देखिए देखिए नीचे का कंडीशन कैसा है। चलिए ठीक है, इस कंडीशन में जो है ना हमारा बिहार पुलिस काम कर रहा है मजबूरी में। और देखिए ये युवा हैं, ये भी ASI है ना सर? कितना साल से आप ड्यूटी कर रहे हैं? हम यहाँ पर 1.5 साल से हैं। 1.5 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट में कितना साल से हैं? 20 साल से। अच्छा 20 साल से। बिहार से बाहर कभी जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। अच्छा वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट को देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। देखते हैं, बस इससे ज़्यादा मैं इनसे सवाल नहीं करूँगा, चूँकि इनके जॉब पर खतरा आ जाएगा, बस इतना ही। वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट में और बिहार के पुलिस डिपार्टमेंट में क्या अंतर है उसे समझने की ज़रूरत है। और नए DGP महोदय से मैं विनती करना चाहता हूँ कि 1000 नई गाड़ियों को खरीदा जाए और गश्ती के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को दिया जाए, और तब देखिए अगर तब ये लोग गलती कर रहे ना तब इन लोगों पे कार्रवाई होगा, नहीं तो इस गाड़ी से ये लोग अगर शराब तस्कर को नहीं पकड़ रहे हैं तो उसके लिए ये लोग दोषी नहीं है, सरकारें चाहता है कि ये लोग ना पकड़े। बाकी पुलिस डिपार्टमेंट बिहार का ये पुलिस डिपार्टमेंट की इस गाड़ी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इस स्थिति में किस प्रकार से सुधार हो, इन सब चीज़ों पर आप लोग अपना राय जरूर रखना। जय हिंद।